हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं फ़िलहाल नाशिक आई हूँ और आप सभी लोग जैसे जानते ही हो कि नाशिक इंडिया का वाइन कैपिटल माना जाता है। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नाशिक में का बहुत ही फेमस सोमा वाइन विलेज। ये सोमा वाइन विलेज स्टार्ट हुआ था 2012 में और जो इसका पूरा एरिया है वो 25 एकर्स में ये स्प्रेडेड है, जिसमें से 15 एकर्स में इनका विनयर्ड्स है और 10 एकर्स में इनका रिसॉर्ट और उनका वाइन का प्लांट है। जो मेरे पीछे आपको बिल्डिंग दिख रहा है वहाँ पे ही वाइन का टूर और टेस्टिंग होता है और एक ऊपर रेस्टोरेंट है। ये सोमा वाइन विलेज नाशिक के मेन गंगापुर रोड से लगभग हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे है और अगर आप सुला विनयार्ड से इसका डिस्टेंस देखोगे तो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास का है, 3-3.5 किलोमीटर का। सो टूर एंड टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा टाइम है तो हमने सोचा क्यों नहीं कुछ स्नैक्स ऑर्डर किया जाए। हम जहाँ पर स्नैक्स फ़िलहाल खा रहे हैं वो है उनका यूनिकली डिज़ाइन किया हुआ बैरल शेप्ड का डाइनिंग टेबल, यानी कि टेबल्स उन्होंने रखे हैं और उसके ऊपर जो रूफ़ है वो वाइन बैरल के शेप का है और यहाँ से व्यू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पूरा विनयार्ड यहाँ से दिख रहा है और आप यहाँ पर लंच कर सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, डिनर कर सकते हो और चाहिए तो सिर्फ इवनिंग का कॉफ़ी भी इंजॉय कर सकते हो। तो स्नैक्स हम लोग ने बहुत अच्छे से एंजॉय किए बैरल डाइनिंग में। अभी टाइम हो चुका है टूर एंड टेस्टिंग का, तो यहाँ पे 3 पैकेजेस है टूर एंड टेस्टिंग के। पहला जो है वो 350 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें वो लोग आपको 5 वाइन्स टेस्ट कराते हैं। फिर आता है 500 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें आपको 7 वाइन्स टेस्ट करने मिलते हैं। और लास्ट जो है वो 700 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें आपको 9 वाइन्स टेस्ट करने मिलते हैं। सो गाइज, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टूर और टेस्टिंग और हमारे साथ है स्नेहल। नमस्ते, मैं स्नेहल, मैं आपको हेल्प करूँगी टूर और टेस्टिंग के लिए। सो पहले मैं बताऊँगी आपको सोमा के बारे में। सोमा शुरू किया था मिस्टर पाच पाटिल सर ने, जो हुआ था 2012 में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांटेशंस है, वहाँ पे भी है। टोटल अभी हमारे पास 3 है, एक शेनन का है, एक जिनफानदेल रेड और एक शिराज। वाइन्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ वाइन्स ऐसी बनती है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, जैसे हम उनको बोल सकते हैं हमारी फ्लैगशिप वाइन्स, जैसे कि अभी हम बनाते हैं अनारकली, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो बनती है 100% पोमोग्रेनेट, नो एडेड ग्रेप वैरायटी। उसकी खासियत ये है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट लेवल ज़्यादा है ग्रेप से, एंड देखा जाए तो हेल्थ बेनिफिशियल भी है एंड इट्स प्रूवन साइंटिफिकली। और दूसरी जो वाइन है हमारी हनी कलेक्शन, दैट इज़ ऑल्सो अवर फ्लैगशिप वाइन कलेक्शन, क्योंकि हम पोस्ट फर्मेंटेशन स्वीटनेस के लिए हनी ऐड करते हैं। उसमें हमारे पास 3 वराइटल्स हैं, एक शिराज जामुन जो रेड है, जिनफानदेल रोज़े लीची जो रोज़े का एक स्टाइल है, और तीसरा है शेनन ब्लॉक कश्मीर, जिसमें कश्मीर फ्लेवर का हनी एडेड। तो अभी हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि वो कैसे वाइन यहाँ पे कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभी टैंक्स की, जो इसका लाइफ लाइन है वाइन का। तो आपको ऐसे टैंक्स हर वाइनरी में मिलेंगे, लेकिन हमारे वाइनरी में इस टैंक की कैपेसिटी है 2.5 लाख लीटर्स, 2.5 लाख की कैपेसिटी है। यहाँ पे वाइन बनती है साल में, मतलब प्रोडक्शन रुकता ही नहीं है, हमारे लिए टैंक्स कम पड़ते हैं, ऐसा हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, रेफ्रिजरेटर जैसा कुछ है या फिर कैसा है? वो बैलेंस मेंटेन करता है। बाहर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फर्मेंटेशन के लिए। अगर फर्मेंटेशन आप देखा जाए तो ईस्ट के सिवा बन ही नहीं सकता। वो एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बेनिफिशियल है, वो ईस्ट को शुगर खा जाता है और फिर हमको मिलता है अल्कोहल। सो अभी जस्ट हमने पूरा प्रोसेस देखा कि सोमा वाइन विलेज में वाइन कैसे बनती है। मोर और लेस सारे विनयार्ड्स में वाइन बनाने का प्रोसीजर जो है वो सेम ही होता है। वाइन का प्रोसेस देखने के बाद अब बारी आती है वाइन को टेस्ट करने की, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट होता है वाइन टूर एंड टेस्टिंग का। सो हमने यहाँ पे आज टोटल 5 वाइन्स टेस्ट की और यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी कि 2 इनकी वाइन मस्ट ट्राई है।
एक तो है उसमें से उनका ये पिनो नोयर रोज़े, जो कि इंडिया में सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट करी थी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, स्वीटर साइड पे है, काफ़ी लाइट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जो रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया है, वो है पोमोग्रेनेट से बना हुआ वाइन, जिसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत स्वीटर साइड पे है और बहुत ही पोमोग्रेनेट का फ्लेवर आता है उसमें। सो ये बहुत ही यूनिक वाइन है, क्योंकि ग्रेप्स वाली वाइन तो हम लोग सभी ने ट्राई की है, बट ये कम्प्लीटली पोमोग्रेनेट को फर्मेंट करके बनाई है। तो इसका कलर भी एक्चुअली रेड वाइन रेड है, बट रेड वाइन जैसा कलर बिल्कुल नहीं है। सो वाइन टेस्ट करने के बाद भूख बहुत ज़्यादा लग रही है ज़ोर से, और अभी हम उनके रेस्टोरेंट में फ़िलहाल खाना खाने के लिए, और यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है, गंगापुर डैम पूरा दिख रहा है और माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, तो व्यू बहुत अच्छा है। सो अभी हमने लंच में ऑर्डर किया है, बहुत भूख लग रही थी इसलिए हमने ऑर्डर किया फ्रेंच फ्राइज, पास्ता और एक पिज़्ज़ा। सो हमने फूड के साथ साथ ये वाइट वाइन ऑर्डर किया है, जो है शेनिन ब्लॉन्क गोल्ड, और ये वाइट वाइन है, और यहाँ पे ग्लास के हिसाब से वाइन नहीं मिलता, यहाँ पे छोटा बॉटल है, यानी कि 375 ml का बॉटल है और एक 700 ml का बॉटल है, तो हमने छोटा वाला ऑर्डर किया। सो अगर आप मेरी तरह वाइन एंथुजियास्ट हो और उसके साथ साथ बिगिनर भी हो, तो मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक टिप है। हमें यूजुअली पता नहीं होता जब हम स्टार्ट करते हैं वाइन को ड्रिंक करना या फिर वाइन को टेस्ट करना, उसको कौन से फूड के साथ पेयर किया जाए, उसमें कौन से नोट्स है, तो वो जानने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी वाइन बॉटल का एक लेबल पढ़ना। आपको लेबल रीड करने से ही पता चलेगा कि इसमें अल्कोहल कंटेंट कितना है, इसका एजिंग कितना हुआ है, नोज़ में इसके कौन से नोट्स है। नोज़ में नोट्स यानी कि जब भी आप उसको स्निफ करते हो, यानी कि स्मेल करते हो, तो कौन से आपको फ्रेग्रेंस आता है उसमें, और उसके साथ साथ ये कौन से फूड के साथ पेयरिंग होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सोमा का शेनिन ब्लॉन्क, तो इसके पीछे उन्होंने लेबल में लिखा हुआ है कि इसमें पाइनएप्पल, गुआवा, पैशन फ्रूट के नोट्स हैं नोज पे, और उसके साथ साथ ये पेयर्स वेल विथ डेयरी प्रोडक्ट्स, चिकन एंड सी फूड प्रिपरेशन, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना फूड ऑर्डर कर सकते हो। तो ये टिप ध्यान में रखिए आप। तो बहुत पेट भर गया है, हमारा टोटल बिल जो है लंच का वो 1521 आया। ओवरऑल कॉस्टिंग का ब्रेकअप है, मतलब यानी हमने जितने भी यहाँ पे एक्सपेंसेस किए हैं उसका ब्रेकअप मैं एंड ऑफ द वीडियो डाल दूंगी, ताकि आपको एक आइडिया आए कि कितना एक्सपेंसेस हो सकता है ऑन एन एवरेज। सोमा वाइन्स में उनका रिसॉर्ट और काफ़ी सारे स्टेइंग ऑप्शंस भी है, तो मैंने सोचा आप सभी लोगों को वो भी दिखा दूँ, ताकि आप अगर यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो आपको एक आइडिया आ जाए। तो चलिए स्टे ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 स्टेइंग ऑप्शंस है, पहला है उनका रिजेंटा रिसॉर्ट, फिर उनके पास कुछ विलास भी है, और सबसे यूनिक स्टेइंग ऑप्शन है उनका बैरल हाउस। तो अभी फ़िलहाल हमें रिजेंटा रिसॉर्ट में, तो पहले मैं आपको रिसॉर्ट से व्यू दिखाती हूँ। इस रिजेंटा रिसॉर्ट के रूम्स के गैलरी से व्यू बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है, पूरा विनयार्ड का और गंगापुर डैम का व्यू है, और इमेजिन कीजिए जब विनयार्ड फुल हार्वेस्ट सीजन में रहेंगे तब कितना ये ब्यूटीफुल और प्रीटी दिखता होगा। यहाँ पे जो स्विमिंग पूल है उसका व्यू भी बहुत अच्छा है, एक्चुअली विनयार्ड का इन्फिनिटी व्यू है यहाँ से, और आज का स्काई भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है। आई विश हम लोग जल्दी से इस रिसॉर्ट में स्टे के लिए आए, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि हमारा नासिक में घर है तो हम किधर स्टे के लिए आने का हमारा बनता ही नहीं है। अभी मैं क्विकली आपको उनके विलास और बैरल हाउस का टूर देती हूँ। अगर आप बड़ी फैमिली या ग्रुप के साथ आना चाहते हो तो इनके यहाँ पे 3 विलास है, जिसमें से 2 7 BHK विलास है और एक 3 BHK विला है। अभी फ़िलहाल मैं 7 BHK विला में हूँ उनके। इस विला में मुझे 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, एक तो उन्होंने अंदर ही कुछ प्लांट्स लगाए हैं, और दूसरा ये जो स्टेज है उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो यहाँ पे आप अच्छे से फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हो। सो इस 7 BHK विला में का ये 1 of the 7 रूम्स है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है, और सबसे अच्छी बात ये है कि एवरी रूम को अटैच्ड बाथरूम है। इस विला के हॉल में ही बहुत बड़ा ग्लास डोर है, जिसके वजह से पूरे विला में लाइट बहुत अच्छा आता है, और यहाँ से बाहर निकलते ही प्राइवेट पूल है, और पूल को लग के ही विनयार्ड और गंगापुर डैम का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। रिसॉर्ट और विला के साथ साथ उन्होंने बहुत ही यूनिक कंसेप्ट से स्टे डिज़ाइन किया है, जो कि है वाइन बैरल में बनाया हुआ रूम। ये रूम बनाने के लिए उन्होंने वुड यूज़ किया है, वो एक्चुअल वाइन बैरल में यूज़ होता है वही वुड है, और ये उन्होंने इम्पोर्ट किया है।
ये पूरे इंडिया में वन ऑफ अ काइंड बैरल हाउस है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ वाइन टेस्ट करके उसका एक्सपीरियंस नहीं लेते, बट एक्चुअल वाइन बैरल में रह के पूरा एक्सपीरियंस लेते हो। इस बैरल हाउस से बहुत ही अच्छा व्यू है, तो इसी रीज़न से ये इसे बनाता है एक परफेक्ट रोमांटिक गेटअवे। तो अगर आपका एनिवर्सरी है या फिर आप न्यूली मैरिड और आपको अलोन टाइम स्पेंड करना है, तो आप यहाँ पे जो ये बैरल हाउस है उसे बुक कर सकते हो। और अच्छी बात एक और है कि इस हाउस को लग के ही एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, तो बहुत ही अच्छा आपका टाइम स्पेंड होगा यहाँ पे। पूरे रिसोर्ट में ना उन्होंने बैरल का यूज़, मतलब बैरल शेप का यूज़ बहुत ज़्यादा किया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको सिटिंग एरिया दिख रहा होगा जहाँ पे हम लोग ने स्नैक्स खाए, फिर जो बैरल हाउस है वो, तो वो पूरा एक ओवरऑल वाइनरी का फील जो है ना वो बहुत अच्छा देता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, एम्बियंस का उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। हम आए थे दोपहर को और अभी आप देख सकते हो रात हो चुकी है, यानी कि आप पूरा दिन यहाँ पे इजीली स्पेंड कर सकते हो। बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए। हमारा जो टोटल एक्सपेंसेस है वो 5,000 रुपीज़ हुआ। इसका जो ब्रेकअप है वो मैं एंड ऑफ द वीडियो डाल दूँगी, तो आप वो ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी उसमें। और बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया, और अगर आपने भी ये वीडियो एंजॉय किया रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय वांडरर्स।